Hi everyone, assalamu alaikum. Today I'm coming with a new video with new recipe of curry. I hope कि आप सब लोगों को करी पकौड़े जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे. और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ करी पकौड़े बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत आसानी से बन जाने वाली रेसिपी और बहुत ही स्पाइसी किस्म की और खट्टी सी रेसिपी. और आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ. और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इसके इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देती हूँ. और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा जो है वो बाज़ार के मसाले, जिस तरह के बहुत सारे लोग जो है वो करी पकौड़ा बनाने में करी पाउडर और इस तरह की बहुत सारी लौंग और दालचीनी और इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं, जबकि उससे जो है वो हमारी करी का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है, वो मतलब खाने भी नहीं होती है. तो आप लोग इस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. उम्मीद हुआ मैं एवरग्रीन आइडियाज़ को हमेशा की तरह याद रखिएगा. लहसुन को मैंने इस तरह का मोटा मोटा सा कूट लिया है और अब जो ऐड कर दूँगी फ्लेम आपने जो है वो मीडियम से रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है क्योंकि जो लहसुन है वो बहुत जल्दी फ्राई होना स्टार्ट हो जाता है. और आप लोगों ने ध्यान ये रखना है कि ये जलने ना पाए. लहसुन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी. और आप लोग भी कोशिश किया करें कि ध्यान रखा करें इस चीज़ का कि जब भी इसमें मसाले वगैरह में पानी ऐड करते हैं तो फ्लेम जो है आप लोग बिल्कुल लो कर दिया करें. और अब मैं इसमें जितने भी मैंने आप लोगों के साथ स्पाइसेस ऐड किए वो सारे के सारे स्पाइसेस मैं इसमें एक साथ ऐड करती हूँ. और इसके अलावा एक चीज़ और आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जो कड़ी का मसाला है वो बिल्कुल रेड होना चाहिए, ठीक है. और इसके लिए आप लोग क्या करें कि जो रेड चिली पाउडर है वो इसमें लाजमी ऐड करें. कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ चिली फ्लेक्स ही ऐड करते हैं जस्ट इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, लेकिन जो कड़ी के ऊपर जो ऑयल होता है रेड कलर का, जब तक वो ना नज़र आए तब तक जो है वो कड़ी का जो मज़ा है वो इतना नहीं आता, क्योंकि कोई भी चीज़ें जब तक वो हमें देखने में अट्रैक्ट नहीं करती है तो हम लोगों को उसका मज़ा भी उतना नहीं आता. थोड़ा सा इसमें जो पानी ऐड किया था उसकी वजह से मिर्चों का जो है वो कलर निकल रहा है, अला है इसका कलर भी बिल्कुल रेड रेड सा आ चुका है. और इसका कलर आने के बाद क्या करना है कि जो लस्सी हम लोगों ने रखी हुई थी इसमें बेसन दो चम्मच मिक्स करके इसमें आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से ऐड कर देंगे. ये देखिए दो कप मीडियम साइज़ के जो लस्सी के थे उससे काफ़ी ज़्यादा हमारी जो कड़ी है वो बन गई है. लेकिन अगर आप लोगों के पास घर की फ्रेश लस्सी होगी तो आप लोग उसमें पानी जो है वो कम से कम ऐड कर सकते हैं. तो इसलिए आप लोग जो घर की लस्सी है उसमें अगर ज़्यादा मिलाना चाहते तो आप लस्सी को ही ज़्यादा क्वांटिटी में कर लें. फिर देखिए आप उनके साथ इसमें ऐड करना है इसको थोड़ा सा खट्टा करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया में जो है वो खुली घर की जो फ्रेश लस्सी होती है वो नहीं मिलती है, तो वो इतनी खट्टी नहीं, जो यहाँ पे मिलती है वो इतनी खट्टी नहीं होती है, तो उसको खट्टा करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा सिट्रस ऐड करूँगी. लेकिन एक साथ ही ऐड नहीं कर देना है, जब ये थोड़ी सी जो हमारी कड़ी है ये बॉयल हो जाएगी, इसमें तीन चार बॉयल आ जाएंगे तो फिर इसमें सिट्रस के दो से तीन ड्रॉप्स वो ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप एकदम से इसमें सिट्रस ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कड़ी है वो सारी फट के दानेदार सी इसकी पिटकड़ियाँ सी बन जाएंगी. तो अभी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ग्रीन चिली और साथ में कोरिएंडर लीव्स. और ये डालकर जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट होंगे तो बहुत ही मज़ेदार की किस्म की जो खुशबू है वो आना स्टार्ट हो जाएगी और पूरे घर में जो है वो कड़ी की खुशबू फैल जाती है इस तरह धनिया और मिर्ची ऐड करने से. और आप लोग भी अगर मेरे तरीके से कड़ी बनाना चाहते हैं तो यकीन करें कि सारे रिश्तेदार जो है वो आप लोगों से कड़ी बनाने की डिमांड करेंगे, क्योंकि कड़ी जो है वो मज़ेदार किस्म की बहुत कम लोग ही बना सकते हैं. तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये सिंपल सी इजी कड़ी बनाने की रेसिपी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. तो ये देखिए इसमें बॉयल जो है वो कहीं कहीं पर इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं. और आप लोग देखेंगे कि बेसन जो है मैंने ऐड किया था उसकी वजह से क्या है कि जब तीन से चार बॉयल आएंगे तो कड़ी जो है वो हमारी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी. और अगर आप लोग कड़ी को थिक नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग बेसन जो है वो स्किप भी कर सकते हैं. इसको हल्के हल्के हाथ से मुसलसल जो है वो
थोड़ी देर तक चम्मच चलाते रहना है, वो भी बिल्कुल स्टार्ट में, एंड तक नहीं, क्योंकि जो शुरू में इसके जो लस्सी है या योगर्ट से आप लोग बनाते हैं घर की लस्सियाँ, इसके फटने के चांसेस होते हैं। तो आप लोग क्या करें कि शुरू में जो है वो चम्मच मुसलसल चलाते रहें, इस तरह से इसको मिक्स करते जाएँ। वो क्या है कि जब से थोड़ी सी पक जाती है तो फिर जो है ये फटती नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ सी हो जाती है। और अब जो है इसमें बबल्स आना थोड़ा सा तेज़ हो चुके हैं, ये देखें। ये देखिए कढ़ी में जो है वो मुसलसल बबल्स आ रहे हैं, और आप देख सकती होंगी कि ये देखिए कितने मज़े की इसके ऊपर जो है वो एक थिकनेस सी और एक क्रीमी सा टेक्सचर आ रहा है, और मुसलसल जो है वो इसको हिलाते जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको ऑलमोस्ट कितने मिनट के लिए पकाना है, ठीक है। मसाले के बाद, इसमें लस्सी ऐड करने के बाद इसको कितने मिनट के लिए पकाना है। तो इसको आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट पकाना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। और जब आप लोग देखेंगे ये थिक हो चुकी है, या आप इसका नमक मिर्च जो है वो इसका टेस्ट चेक करके, ठीक है, आप लोगों को, अगर आप लोग कुकिंग करती हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि नमक मिर्च का टेस्ट जो है वो कच्चा आ रहा है या पक्का। तो आप लोग क्या कर सकती हैं कि फ्लेम बंद कर सकती हैं, अपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख सकती हैं ताकि जो इसकी ऑयल है वो ऊपर आ जाए, ठीक है। और अगर आप लोग अलहदा से इसका जो ऊपर डालने के लिए ग्रेवी बनाना चाहती हैं तो फिर आप लोग फ्लेम बंद कर दें और सेपरेटली जो है उसकी ग्रेवी बना के वो इसके ऊपर डाल सकती हैं। तो अभी जो है हमारी जो कढ़ी है जो मैं बना रही हूँ, ये अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। ये देखें, मैं इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करूँगी, और मैंने इसमें बेसन भी जो है वो 2 चम्मच डाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो थोड़ी सी पतली वाली कढ़ी पसंद है, और मुझे जो है वो थिक वाली पसंद है, लेकिन क्या करें, भी हस्बैंड की चॉइस का भी ख्याल रखना होता है। तो और वैसे भी घर में कोई एक पर्सन अगर खाना ना खाए, उसको पसंद ना आए, तो खाना बनाने वाले का दिल भी जो है वो उदास हो जाता है। तो इसलिए खाना पकाने वाला जो है वो अपनी पसंद से ज़्यादा जो है वो दूसरों की पसंद का ख्याल रखता है। और ये देखें कढ़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पकने के मरहले में है, और ऑलमोस्ट इसको 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पर हो चुके हैं। साथ मुसलसल मैं इसका चम्मच भी हिला रही हूँ, बस 3-4 मिनट में मज़ीद जो है वो कड़ी खिलकर सामने आ जाएगी और बिल्कुल ये रेडी हो जाएगी। ये देखें कड़ी का कलर और कड़ी का टेक्सचर चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ जो है ये क्रीमी टेक्सचर में आ रही है। और जो लस्सी थी मेरे पास अलमराई की, वो मैंने आप लोगों को बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर जो वो काफ़ी मज़ेदार किस्म का आता है। ये देखिए अब जो ऑयलिंग है इसमें, जो मैंने इसका मसाला बनाया था स्टार्ट में, तो वो ऑयल जो है वो इसके ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए व्यूअर्स, अब इस पॉइंट पर जो है मैं इसमें सिट्रस जो है वो 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें इस तरह से, बस इतना सा ही मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि सिट्रस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खट्टा होता है, तो इसलिए इतना ही सिट्रस जो है वो इसमें बहुत होगा। तो अब जो लस्सी भी है जो वो पक चुकी है बिल्कुल, और आप लोग देख रहे होंगे कि ये इतना ज़्यादा इसमें मटेरियल था, और अब जो है वो पकने के बाद जो है वो इतना रह चुका है। तो ऑलमोस्ट जो कढ़ी है हमारी वो रेडी हो चुकी है, और अब मैं इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे रख दूँगी, ठीक है। लो फ्लेम पे मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए रखूँगी, ठीक है, ताकि जो इसमें ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए। कढ़ी तो हमारी रेडी हो चुकी है, और अब मैं इसमें ग्रेवी बनाने के लिए, इसका कढ़ी का तड़का बनाने के लिए मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इसमें तड़का ना बनाएं, तो आप लोग देखें कढ़ी जो है वो ख़ुद भी इतनी मज़ेदार किस्म की, इतनी लजीज किस्म की नज़र आ रही है कि आप लोगों को तड़का बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर तड़का हो, ज़रा ज़्यादा डिलीशियस इसकी लुक आए, तो आप लोग क्या करें कि तड़का जो है वो लाजमी बना लें। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है,
और सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ऑनियन। ऑनियन को जो है वो गोल्डन ब्राउन करना है। अगर आप लोग चाहें तो ऑनियन को रिंग के अलावा दूसरी शेप में भी कट कर सकती हैं, लेकिन अगर राउंड शेप में काटेंगे, सर्कल मोशन में काटेंगे तो इसकी जो शेप है वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। एक और बात आप लोगों को बताती चलूँ कि जब ये हो जाएगा ऑनियन जो ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा, तो आप लोगों ने इसमें जो ग्रीन ऑनियन के लीव्स हैं वो इसमें थोड़ी सी देर के लिए डालकर पकाने हैं, ताकि उनका कलर चेंज ना हो और वो कड़ी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत किस्म की लुक है। और ये देखिए साथ ही साथ जो कड़ी है वो मज़ेदार किस्म की नज़र आना स्टार्ट हो चुकी है, उसके ऊपर ऑयल भी आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसी तरह अगर आप लोग बाकी के जो ग्रेवी वाले सालन हैं उसके ऊपर अगर आप लोग इसका तरी या फिर ऑयल खिलाना चाहते हैं, तो आपको क्या करेंगे, पकाने के बाद अपने सालन को बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो इसका 5 से 10 मिनट के लिए रख दें और ढक्कन ऊपर नहीं लगाना। अगर ढक्कन ऐड करेंगी तो फिर क्या होगा कि हमारी जो ऊपर ऑयल है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो जिनको ये मसला होता है कि उनके सालन के ऊपर तरी जो है वो मज़ेदार किस्म की नहीं बनती है। और ये तरी जो है वो रेडी हो चुकी है और हमें क्या करेंगे इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल ही ऑफ करेंगे। ऑनियन जो है वो ब्राउन हो चुका है और अब मैंने इसमें क्या ऐड करना है, ठीक है, ग्रीन ऑनियन के लीव्स मैंने इसमें ऐड करनी है, जिनको मैंने आपको पहले के बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा इसको करना है आपका जो फ्लेम जो है वो बिल्कुल ऑफ करना कड़ी के ऊपर डाल रही हूँ। इस तरह से करके आपने इसको फैला देना है कड़ी के ऊपर। और जो ऑयल है इसको भी आप लोगों ने कड़ी के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। हमारी मज़ेदार किस्म की शमी है डिलीशियस कड़ी है वो रेडी हो चुकी है और अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है ग्रीन कोरिएंडर के कुछ लीव्स जो कि मैंने ऑलरेडी कट करके रखे हुए थे। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये आप लोगों के कमेंट्स से ही मुझे पता चलेगा। तो व्यूअर्स, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का हमेशा से इंतज़ार रहता है और आज की इस वीडियो से रिलेटेड भी मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि मेरी आज की कड़ी बनाने की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।